कमीशन ऑफ इंडिया आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। 3 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और जम्मू कश्मीर की नजरें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 2014 से जनरल असेंबली इलेक्शंस नहीं हुए और एक्सपेक्ट आज यही किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस हवाले से बात करेंगे और डेट भी अनाउंस करेंगे। मजीद हमारे साथ जुड़ चुके हैं शाहिद। शाहिद, इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात है? क्या लगता है कब तक चुनाव हो सकती है? और सुप्रीम कोर्ट की ये भी डायरेक्शन है कि स्टेट हुड भी वापस दिया जाए जम्मू कश्मीर को? देखो, जहाँ तक आपने बात छेड़ी स्टेट हुड के हवाले से या चुनाव के हवाले से, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने चंद दिन पहले एक स्टेट पर दिया था, जिस स्टेट में उन्होंने कहा सबसे पहले जो है डेलिब्रेशन हुई, उसके बाद लोकसभा के चुनाव हुए, अब एसेंबली के चुनाव होंगे। क्योंकि आपको याद होगा देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने खुद कहा है कि जम्मू कश्मीर को स्टेट हुड दिया जाएगा, मगर यहाँ पे ये बताना कब से वक्त होगा, क्योंकि जो लग रहा है कि शायद असेंबली चुनावों के बाद स्टेट हुड दिया जाएगा। सबसे पहले असेंबली चुनाव जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर कराए जाएंगे और ये लगता है कि शायद यहाँ पे सितंबर के महीने में ही चुनाव, सबसे आखिरी हफ्ते में जो है यहाँ पे चुनाव हो सकते हैं। और आज जम्मू कश्मीर के नजरे दिल्ली पे टिके हुए हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर एक प्रेस वार्ता होने वाली है, जिस प्रेस वार्ता में असेंबली चुनाव को लेकर जिक्र होगी। और हो सकता है, जराये का ये मानना है, हो सकता है कि शायद जम्मू कश्मीर का शेड्यूल डेट जो है वो आज अनाउंस हो सकता है। क्या लगता है आपको जो इलेक्शन होने जा रहे हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज होता है इंतजामिया के लिए कि सिक्योरिटी के क्या हवाले से क्या कुछ खबर है? क्योंकि आप जानते हैं कि कोकरनाग में हालात ठीक मांग रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे चंद दिन पहले डॉक्टर फारूक